हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यू मी ऑन यूट्यूब पर। मैं हूं आपकी होस्ट दिव्या। तो आज मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक नई रेसिपी के साथ, और आज की रेसिपी है मेयो सैंडविच। क्योंकि मैंने सोचा मॉनसून के नाम पे बहुत सारा तला भुना आजकल हम लोग खा रहे हैं, तो ऐसे में अपनी हेल्थ के प्रति हम बिल्कुल लापरवाह हो गए हैं, तो क्यों ना आज कुछ हेल्दी हो जाए। तो हेल्दी के नाम पर मैंने आज ये मेयो सैंडविच बनाने का फैसला किया। इसे बनाना बहुत ही आसान है, ये बहुत कम समय में बन जाती है, और इसमें आप अपनी मनपसंद सब्जियां डाल के या जो भी आपको पसंद है इसे और ज़्यादा हेल्दी और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। ये बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी और बड़ों के लिए भी बहुत हेल्दी है। तो चलिए बनाते हैं मेयो सैंडविच। लेकिन आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो बेल का आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, इससे मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ 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 मेरा चैनल नया है इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मेयो सैंडविच बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मल्टीग्रेन ब्रेड लिया है, 4 ब्रेड लिए हैं मैंने, और उसकी एजेस मैंने काट दी हैं। आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी ब्रेड ले लें और उसके एजेस आप ना चाहें तो ना काटें। तो मैंने यहाँ पर एजेस काट के अलग कर दिया है, ये देखिए इस तरीके से। तो मैंने मल्टीग्रेन ब्रेड रखा है क्योंकि यहाँ पे बात हेल्थ की हो रही है, तो सब कुछ हेल्दी ही रखा है मैंने। उसके बाद एक बड़ा सा बोल लेंगे हम, और उसमें मैंने 2 छोटे चम्मच प्याज लिया है इस तरह कटा हुआ, 2 छोटे चम्मच गाजर मैंने ले लिया है कटा हुआ, 1 हरी मिर्च है, ये बॉयल्ड स्वीट कॉर्न है 2 चम्मच, और थोड़ी सी धनिया पत्ती। आप अपनी पसंद के हिसाब से इसमें शिमला मिर्च या टमाटर भी डाल सकते हैं। और फिर हम क्या करेंगे, इसमें मैंने एगलेस मेयोनीज़ यूज़ किया है, आप अपनी पसंद का मेयोनीज़ यूज़ करें कोई भी। ये मैंने 2 बड़े चम्मच लिया है, 2 टेबलस्पून। और फिर हाँ, इसमें हम थोड़ा सा चीज़ क्रश करके डालेंगे, इससे थोड़ा सा टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। तो 2 छोटे चम्मच के बराबर चीज़ क्रश किया है मैंने, इसमें ग्रेट कर लिया है। और फिर हम इसमें 1/3 छोटे चम्मच चाट मसाला और 1/3 छोटे चम्मच नमक के डाला है, और हर्ब्स आप अपने पसंद के यूज़ करें। मैंने यहाँ पे मिक्स्ड हर्ब्स डाला है, 1/3 छोटे चम्मच, 1/4 छोटे चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स डाला है, और थोड़ा सा हम यहाँ पे ब्लैक पेपर क्रश कर लेंगे। आप ओरिगैनो भी डाल सकते हैं इसमें, ये तुलसी, ड्राइड तुलसी है, बेसिल लीव्स। तो मुझे हर्ब्स बहुत अच्छे लगते हैं इसलिए मैं ढेर सारा डालती हूँ। ये एक और मिक्स्ड हर्ब्स है, ये भी मैंने डाला है। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें डाल ली, अब हम इसको मिला लेंगे बहुत अच्छे से। देखिए कितना कलरफुल लग रहा है, और चीज़ें जितनी कलरफुल हों उतनी ही हेल्दी होती हैं, क्योंकि अलग अलग विटामिन्स, अलग अलग मिनरल्स हमें मिलते हैं चीज़ों से। तो आप कोशिश करें आप अलग अलग कलर्स की इसमें सब्जी वेजिस जो हों वो यूज़ करें, तो इससे टेस्ट भी अच्छा आएगा और हेल्दी भी बनेगी काफ़ी। तो ये देखिए तैयार हो गया ये मिक्सचर। अब हम फटाफट ब्रेड लेंगे और उसके ऊपर एक थिक लेयर अप्लाई कर देंगे इस तरीके से। आप चाहें तो पहले आप इस पर बटर लगा के भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको बटर पसंद है तो, लेकिन मैंने थोड़ा अवॉइड किया है क्योंकि बहुत ऑयली ऑयली हो गया मॉनसून के नाम पे, इसे मैंने बिल्कुल हेल्दी रखा है। तो ये दूसरी ब्रेड हम ऊपर से ऐसे लगा देंगे जैसे सैंडविच बनाते हैं, और हो गई तैयार सैंडविच। इसे ट्रायंगुलर शेप में काट लें ताकि खाने के लिए कन्वीनियंट हो जाए। इसे आप सॉस के साथ सर्व करें, ये देखिए तैयार हो गई। तो हार्डली मतलब 2 से 3 मिनट लगे इसे तैयार करने में। तो जब भी आपका ये कुछ हेल्दी मन करे खाने का, फटाफट बनाएं, खुद खाएं, औरों को भी खिलाएं, खासकर बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। और साथ में आप कॉमेंट करना ना भूलें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है।
तो जो भी कमी है, अच्छाई है, वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। थैंक यू सो मच।